हरियाणा विधानसभा में हरियाणा के युवाओं को 75% नौकरी देने के अधिकार का बिल पास होने की खुशी में करनाल में लड्डू बांटकर खुशी का इजहार किया गया। आपको बता दें कि जननायक जनता पार्टी एवं इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा करनाल के कमेटी चौक पर लड्डू बांटकर खुशी जताई गई। इस मौके पर इनसो के जिला प्रधान राहुल तोमर ने बताया कि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा युवाओं से वादा किया गया था कि हरियाणा के युवाओं को हरियाणा में लगे उद्योगों में एवं अन्य में 75% नौकरी का अधिकार कानून लाने का काम किया जाएगा, जिसको पूरा करते हुए उन्होंने अपना वादा पूरा किया है, जिससे हरियाणा का युवा खुश नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि इस कानून के पास होने से हरियाणा के युवाओं को 75% रोजगार मिलना पक्का हो गया है। इस मौके पर जननायक जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष इंद्रजीत गोराया भी मौजूद रहे। उन्होंने विधानसभा में युवाओं के लिए अच्छा बिल लाने पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला एवं पार्टी के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में जननायक जनता पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज किस लिए इकट्ठे हुए, क्या कहना चाहेंगे? आज का हमारा कार्यक्रम यही है कि जैसे कि आप जानते हो, कल हरियाणा विधानसभा में हरियाणा के नौजवानों के लिए 75% नौकरियों में आरक्षण करने का बिल पास किया गया है। उसके लिए सरकार का धन्यवाद करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहरलाल जी का और दुष्यंत चौटाला जी का धन्यवाद करने के लिए सारे के सारे यहाँ नौजवान साथी, इनसो के हमारे साथी, छात्रवृत्त के साथी एकत्र हुए हैं धन्यवाद करने के लिए। यही हमारा कार्यक्रम था। हरियाणा के युवाओं को रोजगार मिलेगा और हरियाणा तरक्की की ओर चलेगा। इसके लिए हम इनसो की टीम करनाल और करनाल जजपा और जननायक सेवा दल भाई दुष्यंत चौटाला जी का धन्यवाद करते हैं। युवा मिलके आज भाई दुष्यंत चौटाला का धन्यवाद करते हैं और पूरे हरियाणा प्रदेश में एक खुशी का महत्व है और हम इसमें बढ़ चढ़ के अपना युवाओं का धन्यवाद करते हैं, जो भाई दुष्यंत चौटाला जी ने अपना वादा कहा था वो अपना पूरा करने का काम करा। तो बेरोजगार युवाओं को भी कहीं ना कहीं इसमें लाभ? बिल्कुल, ये बेरोजगारों के लिए ही है। 75% की जो बेरोजगारों की हरियाणा प्रदेश की मांग थी वो भाई दुष्यंत चौटाला ने पूरा करने का काम किया है। किसका धन्यवाद करना चाहिए? ये भाई मुख्यमंत्री और भाई दुष्यंत चौटाला जी का हम तय दिल से धन्यवाद करते हैं करनाल की तरफ से। यहाँ पर मौजूदों से बातचीत करते हैं सर, यहाँ पर किस तरह का खुशी का माहौल है? काफी ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.